झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार। 1 करोड़ की इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा को पत्नी शीला मरांडी के साथ पुलिस ने शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। प्रशांत बोस को देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। इनका काम एक से दूसरे राज्य में घूमकर माओवादियों की विचारधारा को बढ़ाना है। इनकी गिरफ्तारी सरायकेला के चांडिल कांडरा चौका मार्ग पर टोल गेट के पास से हुई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। बोस माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के सचिव थे। इनके जिम्मे झारखंड बिहार की स्पेशल एरिया कमेटी, पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड, पश्चिम बंगाल स्टेट कमेटी, छत्तीसगढ़ स्पेशल कमेटी और असम स्टेट स्पेशल कमेटी थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए 6 स्कॉर्पियो से पुलिस के ऑफिसर और जवान सिविल ड्रेस में गए थे। बोस की गतिविधि पर 3-4 महीने से खुफिया एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची लाकर गुप्त स्थान पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अभी भी 1 करोड़ के 3 इनामी हैं संगठन में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।